दोस्तों आज जानते हैं कि किसी भी समर्सिबल मोटर को हम बिना स्टार्टर के केवल कैपेसिटर की मदद से कैसे चला सकते हैं। इसको चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि स्टार्टर में तो सिर्फ स्विच और एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर लगा रहता है, लेकिन हमेशा हमें स्टार्टर लगाना चाहिए। लेकिन कभी कभी एमरजेंसी में हमारा स्टार्टर ख़राब हो जाता है, या तो हमें मोटर को चेक करना होता है, तो उसके लिए हम केवल कैपेसिटर से हम समर्सिबल मोटर को चला सकते हैं। तो समर्सिबल मोटर से हमेशा तीन तार बाहर आता है, जिसमें रेड, येलो और ब्लू, लाल, पीली और नीली। तो इसमें जो कॉमन होती है वो नीली होती है, जो मेन होगी वो नीली होगी, और ये हमारी स्टार्टिंग की होगी, ये रनिंग की होगी। तो सबसे पहले हमें कैपेसिटर लेना है, तो एक की मोटर के लिए 50 MFD का कैपेसिटर लेते हैं। कैपेसिटर की दो वायर होती हैं, इन दोनों वायर को हमें, एक वायर को लाल तार के साथ और एक वायर को हमारी पीली तार के साथ ज्वाइंट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कैपेसिटर के दोनों वायर मोटर की लाल और पीली तार के साथ हमने ज्वाइंट कर दिए हैं। अब जो पीली वाली तार है इसको हम टेप मार देंगे। देखिए यहाँ पे हमने इसे टेप मार दिया है। इस तरह का एक लंबा तार लेंगे जिसमें कि दो वायर रहेंगे, हमारे दो तार रहेंगे। इनमें से कोई भी एक तार हमें नीले वायर के साथ जोड़ करके इसे टेप मार देना है। देखिए ये हमने यहाँ पर इसे टेप कर दिया है। अब एक तार जो दूसरा बचा हुआ है इसे हमें यहाँ पर लाल तार के साथ, हमारा कैपेसिटर का तार लगा है, इसी के साथ ज्वाइंट कर देना है। तो देखिए ये हमारा प्रॉपरली कनेक्शन हो गया है। अब हम इसे इस सॉकेट में लगाएंगे। इसमें 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, तो जैसे हम इसमें लगाएंगे तो हमारी मोटर देखिए चालू हो गई। देखिए देखिए हमारा पानी का पंप है, जो समर्सिबल मोटर है, वो चालू हो गई। इस तरह आप टेम्परेरी है जो अपनी मोटर कुछ समय के लिए चला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय चलाना अच्छी बात नहीं है। चलने में ये 2 साल 3 साल चल जाएगा, लेकिन दिक्कत ये होगी कि इसमें है जो आपको एम्पियर का पता नहीं चलेगा। और इसमें ऐसा है कि अगर अपनी मोटर चल गई उसके बाद लाइट चली गई, जैसे दोबारा लाइट आएगी हमारी मोटर दोबारा से फिर अपने आप चलने लगेगी। और दूसरी बात, ये हमारा कनेक्शन तब काम करेगा जैसे ये बोरवेल से जो ये केबल आ रही है ना, अगर रास्ते में से कहीं पे ज्वाइंट हुआ तो उसमें भी ज्वाइंट है जो कलर से कलर लगा होना चाहिए। जैसे ऊपर से जो केबल गई रास्ते में, अगर ज्वाइंट है तो नीली वायर से नीले का ज्वाइंट होना चाहिए, पीली से पीले का ज्वाइंट होना चाहिए, लाल से लाल का ज्वाइंट होना चाहिए। अगर रास्ते में रंग हैं जो कलर हैं जो इधर उधर लगे हुए, तब हमारा इस तरह वर्क नहीं करेगा। आप मोटर को बिना स्टार्टर से चला सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।